नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मंत्री के भतीजे की दबंगई यहां पर देखने को मिली है और यहां वीआईपी गेट से निकलने को लेकर पुलिस से बदसलूकी हो गई है। गेट से जबरन निकलने को लेकर बहस हो गई है। दंदरुआ धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये रिंकू भदौरिया जा रहा था और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का ये भतीजा रिंकू भदौरिया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी रिंकू का विरोध किया। घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है। तस्वीरें आप देख लीजिए और क्या चल रहा है यहाँ पर ये भी जरा देख लीजिए। अनिल हमारे संवाददाता भिंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल, ये मंत्री जी का भतीजा है रिंकू शर्मा बताया जा रहा है, लेकिन भतीजा है तो क्या कुछ भी करेगा? नियमों को ताक पर रखकर पुलिस से भिड़ जाएंगे, वीआईपी गेट से निकलने को लेकर बदसलूकी करने लग जाएंगे? भदौरिया ये दंदरु धाम में चल रहा है, सीएफपी मिलन समारोह में कार्यक्रम में पहुंचने गए थे। वीआईपी बैग से अपनी गाड़ी जब ले गए थे तो पुलिस कर्मियों ने वहाँ गाड़ी रोका, तो जब उन्होंने उसका विरोध किया और वहाँ मुवाद किया, उसके बाद वो जबरन गाड़ी लेकर निकल गए। जबरन गाड़ी लेकर निकल गए तो क्या पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके? बिल्कुल, मैं बता दूं, वहाँ पर ग्रामीणों ने भी इस बात का विरोध किया था कि आप यहाँ गाँव में वोट लेने के बाद पहली बार आए, कोई विकास तो कराया नहीं, जबरन जा रहा है, आप जाओगे तो हम लोगों की गाड़ियाँ भी इसी रास्ते जाएंगी। लेकिन पुलिस वहाँ विरोध करती रही, उसके बाद काफी पुलिस बल मौके पहुँच गया, समझाइश दी गई, उनकी गाड़ी निकाल दी गई, उसके बाद मामला पूरा शांत हुआ। तो यानी कि पुलिस के ऊपर भारी पड़ गए रिंकू भदौरिया? जी बिल्कुल, माने तो पुलिस वहाँ बिल्कुल बैक फुट पे आ गई और उनकी गाड़ी उसी रास्ते जहाँ पुलिस नहीं जाने देना चाह रही थी उसी रास्ते से उनकी गाड़ी निकल के गई। और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया इस पर? मंत्री जी की तरफ से क्या जवाब आया इस पर, ये दबंगई जो दिखाई जा रही है इस मामले में? लेके मंत्री जी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और जब ये विवाद, जब बैरिकेड जैसे मंत्री के समर्थक खुद हटाने लगे, उनके भतीजे के समर्थक हटाने लगे, तो उसी बात पर पुलिस से विवाद हुआ है। और विवाद के बाद जब इतना विवाद बढ़ गया कि काफी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, कई पुलिस अधिकारी पहुंचे, उनकी समझा, इसके बाद उनकी गाड़ी को निकाला गया। और बाहर के, क्योंकि बाहर का पुलिस बल लगा हुआ है, उन्होंने कई बार निवेदन किया आप गाड़ी निकालो तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उसके बाद भी वो नहीं माने और जबरन गाड़ी लेकर चले गए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जबरन गाड़ी लेकर मंत्री जी के भतीजे चले गए। आगे जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑटो रिक्शा में यात्रियों की ओवरलोडिंग का जो मामला है, इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर टिप्पणी की है कि कागजी रिपोर्ट पेश कर कोर्ट के आदेश को सरकार नकार रही है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में सभी अवैध ऑटो जब्त करने के लिए एक हफ्ते की अब मोहलत भी दे दी है। हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को अगली सुनवाई भी तय कर दी। प्रतीक अवस्थी हमारे संवाददाता जबलपुर से इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, अवैध रूप से ऑटो चलाने या ज्यादा सवारी भरने, ओवरलोडिंग करना, ये मामला जो है इस पर पहले से ही कोर्ट बहुत गंभीर है और एक नहीं कई बार राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है, लेकिन आज भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट को नाराजगी जतानी पड़ी और एक हफ्ते का अल्टीमेटम देना पड़ा कि एक हफ्ते में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताएं राज्य सरकार को। रिक्शा का जो मामला है लंबे समय से हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन लगातार जो जिम्मेदारों का रवैया है उससे आज हाईकोर्ट कहीं ना कहीं नाखुश दिखी और कड़ी फटकार राज्य सरकार को यहाँ पर चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच लगाई है। और एक टिप्पणी भी जो है वो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने की है कि कागजी रिपोर्ट पेश कर कोर्ट के आदेश नकार रही है सरकार। ये बड़ी टिप्पणी जो है आज कोर्ट द्वारा की गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जो अवैध ऑटो है उन्हें जब्त करने के लिए एक हफ्ते की जो मोहलत है वो सरकार को और जिम्मेदारों को दे दी है और हाईकोर्ट ने अगली जो सुनवाई वो 25 नवंबर को तय की है। कहीं ना कहीं जो एक्शन टेकन रिपोर्ट रहेगी सरकार वो हाईकोर्ट के पटल में पेश करेगी। और बेहद महत्वपूर्ण जुड़ा मामला है क्योंकि सवारी आए दिन हम देखते हैं सड़क हादसे होते हैं, कई सवारियों की जान तक चली जाती है और ओवरलोडिंग जो है वो एक बड़ा मसला है यातायात नियमों के लिहाज से भी, उसके उल्लंघन के लिहाज से भी। तो देखना होगा जिम्मेदार आखिर क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक।